हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट फ्यूचर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न स्टॉर्म वर्सेस रे सुपरस्टार के बीच में होने वाले मैच की, जो कि अब से 30 घंटे बाद स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड, यहां पर ये पांचवा मैच है और मैं इसकी थोड़ा एडवांस वीडियो बना रहा हूं। अगर यहां पर कुछ भी स्क्वाड में चेंज होगा या अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंज होगा तो फ्रेंड मैं आपको अपडेट वीडियो बनाकर दे दूंगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना फ्रेंड, तो वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे ऐड होना तो फ्रेंड उसका भी आपको व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में पर्सनली, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो फ्रेंड पहले बात करते हैं हम यहाँ पर न्यूज़ की। तो फ्रेंड पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वुमन सुपर लीग चल रही है फ्रेंड 2018। तो आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर सरे सुपरस्टार ने पहला मैच अपना गवा दिया था फ्रेंड 7 विकेट से साउथन वाइपर के साथ। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न स्टॉर्म ने यहां पर अपना पहला मैच जीत लिया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं 7 विकेट से ही वेस्टर्न स्टॉर्म ने अपना पहला मैच जीत लिया था। तो फ्रेंड यहां पर बात करते हैं हम जो मैंने यहां पर बनाई हुई है ऑलरेडी आपको प्लेइंग 11 और यहां पर पूरा स्टेट्स के साथ। तो फ्रेंड पहले वेन्यू की बात करेंगे, तो यहां पर कॉलेज ग्राउंड चैथलम का यहां पर ग्राउंड है एंड ग्लोस्टर शायर इसको होस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड ये पिच हेल्प करती है फ्रेंड बैट्समैन की शुरू में, एंड बाद में यहाँ पर स्पिनर या सीमर्स को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है। तो फ्रेंड आपको एक बराबर कम्बिनेशन लेके इस पिच पर इस मैच में खेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड पहले एवरेज स्कोर की बात बता दूँ मैं आपको, 160 यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग जो करती है टीम उसका एवरेज स्कोर है, और जो सेकेंड बैटिंग करती है फ्रेंड यहाँ पर 132 का उसका एवरेज स्कोर है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं वेस्टर्न स्टॉर्म के स्क्वाड की। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न स्टॉर्म का स्क्वाड है फ्रेंड। नॉर्मली वुमेंस क्रिकेट में ज़्यादा स्क्वाड चेंज होते नहीं है, अगर होंगे तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फ्रेंड आप यहाँ पर सरे सुपरस्टार का भी आप स्क्वाड देख सकते हैं, तो जो भी प्लेयर खेलेंगे फ्रेंड इनमें से ही खेलने वाले हैं। तो फ्रेंड पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं, यहाँ पर पिछला मैच में वेस्टर्न स्टॉर्म का आप देख सकते थे कि यहाँ पर आसानी से जीत लिया था। तो यहाँ पर पहले ओपन करने आती है रेकल पेरिस, जो कि न्यूजीलैंड की ओपन बैट्समैन है, न्यूजीलैंड टीम के लिए ओपन करती है। आजकल न्यूजीलैंड टीम में नहीं खेल रही है क्योंकि इनका शायद फॉर्म मेरे ख्याल से ख़राब है, और यहाँ पर उनके साथ साथ देने आती है स्मृति मंदाना अपनी इंडियन बैट्समैन। तो फ्रेंड मंदाना ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी यहाँ पर फाइन इनिंग खेली थी, 5 छक्के लगाए थे और 20 बॉल में 48 रन की बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी। पेरिस पहली बॉल पे आउट हो गई थी फ्रेंड, तो यहाँ पर उसके बाद वन डाउन आती है हैदर नाइट, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। तो हैदर नाइट के बारे में आपको बता दूं फ्रेंड, पिछले मैच में 97 रन की इनिंग खेली थी 62 बॉल में, और यहाँ पर 3 ओवर बॉलिंग भी की थी पर बॉलिंग में इनको कोई विकेट नहीं मिला था। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर टू डाउन आती है 4th नंबर पर स्टेफनी टेलर। तो स्टेफनी टेलर फ्रेंड वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन है और बहुत ही अच्छी प्लेयर है फ्रेंड। वहाँ पर 12 बॉल में 12 रन मारे थे, नॉट आउट रही थी एंड 3 ओवर करके 1 विकेट भी लिया था। फिर फ्रेंड यहाँ पे आएगी फेरन विंसल, जिनकी पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई, फिर लफ आएगी, फिर उसका दत्तानी आएगी, फिर यहाँ पे अनयास सुबरसोल, डेविस, गिब्सन एंड निकोल। तो फ्रेंड अनयास सुबरसोल ने पिछले मैच में 0 विकेट लिए थे, 4 ओवर में 32 रन दिए थे, पर फ्रेंड बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये बॉलर है, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आती है डेविस, तो डेविस भी फ्रेंड बहुत अच्छी यहाँ पर प्लेयर है, पिछले मैच में इनको 2 विकेट इन्होंने झटक लिए थे। फिर गिब्सन है फ्रेंड, गिब्सन को इस मैच में चांस मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर इनकी टीम पिछला मैच जीती है, मेरे ख्याल से अगले मैच में इनकी टीम कोई ज़्यादा चेंज करेगी नहीं, अगर कोई चेंज होता है फ्रेंड तो गिब्सन हो सकता है। तो फिर आप गिब्सन को अपनी टीम में रिस्क मत लेना, स्मॉल लीग की टीम में, ग्रैंड लीग की टीम में आप रख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आती है निकोल्स, तो निकोल्स ने पिछले मैच में अच्छी यहाँ पर बॉलिंग की थी, 4 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लिए थे, जो कि T20 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं सरे सुपरस्टार के स्टैट्स की। तो फ्रेंड यहाँ पर ओपन करने आती है फ्रेंड लिजेली ली, जो कि पिछले मैच में फ्रेंड थोड़ा बेकार खेल गई और यहाँ पर 0 पे आउट हो गई थी, 6 बॉल खाए और 0 पे आउट हो गई। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 20 स्मिथ आती है, जो कि इंग्लैंड की बहुत ही फाइन क्लास यहाँ पर बैट्समैन है, वो भी 0 पे आउट हो गई थी फ्रेंड। मुझे लगता है कि दोनों प्लेयर इस मैच में खेलेंगे फ्रेंड, 20 स्मिथ बहुत ही अच्छी प्लेयर है एंड लिजेली ली तो फ्रेंड वर्ल्ड क्लास यहाँ पर साउथ अफ्रीका की ओपन बैट्समैन है, तो ली को तो 100% इस मैच में खेलना ही। उसके बाद फ्रेंड वन डाउन आती है यहाँ पर सारा टेलर, तो सारा टेलर ने फ्रेंड पिछले मैच में ज़्यादा रन नहीं करे फ्रेंड, 6 रन बना के आउट हो गई थी, पर ये भी बहुत अच्छी प्लेयर है फ्रेंड, इंग्लैंड की विकेट कीपर है। फिर उसके बाद आती है फ्रेंड यहाँ पर
शिवर, तो फ्रेंड शिवर बहुत ही अच्छी यहाँ पर ऑलराउंडर है। 2 रन बनाए थे पिछले मैच में और 3 ओवर देखिए 28 रन दिए थे पिछले मैच में। कुछ खास इन्होंने काम ही किया नहीं, बट ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है फ्रेंड, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। फिर उसके बाद आती है फ्रेंड यहाँ पर साउथ अफ्रीका की कैप्टन वान नेक्रिक। तो वान नेक्रिक फ्रेंड बहुत ही अच्छी प्लेयर है, पिछले मैच में 31 रन की इनिंग खेली थी और 2 ओवर देके 22 रन दिए थे, विकेट नहीं ले पाई, पर बहुत ही अच्छी फ्रेंड यहाँ पर प्लेयर है, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। उसके बाद आती है फ्रेंड डेंगली। तो फ्रेंड डेंगली ने पिछले मैच में अपनी टीम को संभाला था, 66 रन की इनिंग खेली थी, साथ में 2 ओवर भी गए थे, तो आप डेंगली आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकती है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं मैरिजन काप की। तो मैरिजन काप फ्रेंड बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और यहाँ पर आपको अगर पॉइंट एडजस्ट होते तो आप उनको इनको अपनी टीम में रख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं लॉरा मार्श की। तो लॉरा मार्श इस मैच में खेल सकती है, ड्रॉप भी हो सकती है फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा इनका चांस मुझे इस मैच में कम लग रहा है, तो आप इनको अपनी टीम में मत रखना, क्योंकि स्मॉल लीग में आप इनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर आती है फ्रेंड उसके बाद कार्लस्टोन। तो फ्रेंड वैसे कार्लस्टोन नॉर्मली बॉलर नहीं है, बैट्समैन है, बट पिछले मैच में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, तो उनको आप देख सकते हो कि बॉलिंग सेक्शन में बहुत नीचे उनको दिखाया गया, लॉरा मार्श को प्रमोट किया गया बट गिब्सन को प्रमोट नहीं किया। उसके बाद फ्रेंड आती है जी गिब्स। तो ये भी फ्रेंड यहाँ पर बैट्समैन है, जी गिब्स भी बड़े यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में दिखा रही है ड्रीम रन में, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। और उसके बाद आएगी फ्रेंड यहाँ पे एम विलियर्स। तो विलियर्स इस मैच में फ्रेंड 100% खेलेगी, 2 ओवर में 12 रन देके 1 विकेट लिया था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है फ्रेंड, खराब परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। तो फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर हम जो प्लेइंग 11 मैंने इस मैच में आप लोगों के लिए बनाई हुई है वेस्टर्न स्टॉर्म एंसर सुपरस्टार के मैच में, एक हेड टू हेड की टीम मैंने बनाई है फ्रेंड, आप इसका टीम प्रीव्यू देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे विकेट कीपर में सारा टेलर बेस्ट ऑप्शन रहेगी, कैप्टन करूँगा फ्रेंड यहाँ पे हैदर नाइट को, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग भी कर रही है, साथ में 1 डाउन बैटिंग भी कर रही है और बहुत अच्छी फॉर्म में। आपने देखा होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो पिछला सीरीज हुआ था, 1 डे सीरीज एंड T20 सीरीज, तो वहाँ पर हैदर नाइट ने बहुत अच्छी यहाँ पर क्लास दिखाई थी, तो इसलिए मैं हैदर नाइट को अपनी टीम में कैप्टन रखूंगा। इन मंदाना को यहाँ पर आप रख सकते हैं फ्रेंड, लियरी ली को मैंने वहीं पर वाइस कैप्टन रखा है फ्रेंड, क्योंकि लियरी ली बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्लेयर है। उसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पर पॉइंट एडजस्ट करने के लिए मैंने रखा है एस लव को। तो फिर लव इस मैच में 100% खेलेगी, मुझे नहीं लगता कि लव को इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में डेंकली को रखा है एंड वान नेक्रिक को रखा है एंड स्टेफनी टेलर को रखा। तो फ्रेंड आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर वान नेक्रिक की जगह आप यहाँ पर नटाली सीवर को भी आप रख सकते हैं, तो आपकी विश है, अगर आप उनको रखना चाहते हो तो आप उनको रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डिवॉन नेक्रिक के लिए इसलिए गया हूँ क्योंकि यहाँ पर डिवॉन नेक्रिक स्पिन बॉलर है और यहाँ पर स्पिन बॉलर को हेल्प मिलती है इस पिच में, तो मैं यहाँ पर डिवॉन नेक्रिक की तरफ जाऊँगा। एंड यही नटाली सीवर जो है वो यहाँ पर पेस बॉलर है, तो मुझे नहीं लगता कि नटाली सीवर को मुझे इस टीम में रखना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे एफ डेविस की तरफ मैं गया हूँ, जिसने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, विलियर्स ने 2 ओवर करके 1 विकेट लिया था एंड यहाँ पर निकोल्स ने भी 2 विकेट लिए थे, तो मुझे लगता है फ्रेंड ये तीनों सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए। और फ्रेंड यहाँ पर मुझे 8, 8 और 8.5 ऐसा ही क्रेडिट का मुझे लेना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर उतने ज़्यादा क्रेडिट नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मेरे सारे क्रेडिट यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सारी यहाँ पर क्रेडिट की प्रॉब्लम आने वाली, 10, 10, 10 सारे प्लेयर जो भी हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रीम लोन ने इनका क्रेडिट दिया हुआ है, तो फ्रेंड आप इनमें से किसी एक बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो इसलिए फ्रेंड ये टीम मुझे इस टाइप से बनानी पड़ रही। तो फ्रेंड ये हेड टू हेड के लिए बहुत ही बेस्ट टीम रहेगी, आप इसको 20 मैन में भी उतार सकते हो। अगर आपको कैप्टन वाइज कैप्टन चेंज करना तो मंदाना अच्छा ऑप्शन है, स्टेफनी टेलर अच्छा ऑप्शन है, सारा टेलर अच्छा ऑप्शन है एंड यहाँ पर डिवॉन नेक्रिक अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड यही ऑप्शन अब आपके पास अदर है और यहाँ पर आप लिजेली ली को भी कैप्टन कर सकते हो। तो फ्रेंड ये 5 ऑप्शन मैंने आपको और दे दिए, आप इसमें से किसी ना किसी को कैप्टन वाइज कैप्टन कर सकते हो और ग्रैंड लीग में आप डेंगली को भी कैप्टन वाइज कैप्टन कर सकते हो। फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने बोली दी आपको पहले कि उसका लिंक मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आना तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो फ्रेंड, पर्सनली नंबर मैं आपको दे दूंगा। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।